हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में। देखिए, मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट मतलब वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल का थोड़ा आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद हम लोग तुरंत इससे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या क्या है इसमें हम लोग को पढ़ना। सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एक मतलब स्क्वायर, और एक क्यूब। इसके बाद क्या होता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो सबसे पहले देखिए वर्ग। वर्ग में आप लोगों को क्या करना है कि वर्ग मतलब क्या है कि एक संख्या को, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का वर्ग और एक क्या मान लेते हैं वर्ग और एक घनमूल घन। तो एक चीज याद रखना है कि वर्ग के लिए क्या करना होता है, एक का स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग, एक का स्क्वायर वन, इसके बाद क्या टू के स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या, जैसे एक का स्क्वायर कहने का मतलब क्या वन इंटू वन, टू का स्क्वायर कहने का मतलब क्या टू इंटू टू, बराबर दो दुनी क्या होगा चार। इसके बाद थ्री का स्क्वायर मतलब इसको क्या लिखेंगे थ्री इंटू थ्री, मतलब थ्री थ्री जा नाइन। ऐसे 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 कहां तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक, जहां तक निकालना चाहे। तो और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को याद करना है कहां तक, बीस तक याद करना है। बीस का स्क्वायर बराबर क्या बीस इंटू बीस, मतलब क्या बीस बीस चार सौ, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर वर्ग। और अगर घन के बारे में बात किया जाए तो, और इसमें ध्यान रखना स्क्वायर मतलब क्या कि दो का पेयर रखना है, कितना का पेयर, दो का पेयर स्क्वायर में। और घन में क्या होता है, घन में मतलब तीन का, वन का क्यूब, वन का क्यूब मतलब क्या, वन का क्यूब मतलब क्या वन को तीन बार लिखेंगे, वन इंटू वन इंटू वन क्या होगा यहाँ वन। अब लिखेंगे क्या टू का क्यूब, क्या लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू, दो दुनी चार दुनी आठ, ऐसे ही लिखेंगे। अब तीन का क्यूब लिखेंगे तो तीन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तीन चार नौ तीन सत्ताईस। तो इसको कम से कम आप लोग कहां तक याद करिएगा, दस तक याद कीजिएगा, दस तक जरूर याद रखना। टेन इंटू टेन इंटू टेन मतलब कि वन पर वन टू थ्री वन थाउजेंड। देखिए इसको याद जरूर रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं घनमूल, सॉरी घन। वर्ग और घन में आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्ग में हम लोग पेयर पे निकालते हैं यानी दो जोड़ा लगाते हैं, और घनमूल में क्या करते हैं तीन तीन संख्या पे एक संख्या। अगर डायरेक्ट मतलब घन में क्या कि कोई भी संख्या को तीन बार लिखते हैं, और वर्ग में क्या कोई भी संख्या को दो बार लिखते हैं। ये हो गया वर्ग और घन। इसके बाद एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे और बड़ी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना, कैसे घन निकालना। अब देखिए ये तो वर्ग हुआ, अब आते हैं थोड़ा वर्गमूल में। देखिए वर्गमूल मतलब क्या कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये देखिए जो हम लोग वर्ग निकाले, वन का स्क्वायर मतलब वन इंटू वन, टू का स्क्वायर बराबर क्या फोर। तो अब यहां देखिए दो का जब स्क्वायर किए तो हम लोग को क्या किया, दो का स्क्वायर यानी दो का वर्ग किए तो हम लोग को चार मिला। और अगर चार का अगर हम लोग वर्गमूल, देखिए वर्गमूल का ये साइन होता है, अगर चार का हम लोग वर्गमूल निकालें तो क्या होगा दो, मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपोजिट वाला। चार का वर्गमूल निकालें तो क्या, जैसे देखिए तीन का वर्ग निकालें तो नौ मिला हम लोग को। अगर नौ का हम लोग को वर्गमूल निकालना हो तो क्या हम लोग लिखेंगे, नौ का वर्गमूल बराबर तीन। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका वैल्यू कितना होता है वन बटा टू, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है कितना वन बटा टू। अब यहां से देखते हैं कि इसको इसको हटाकर हम लोग तीन ला सकते हैं कि नहीं, तो नौ को हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जब अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट पावर में आएगा, पावर में कितना वन बटा टू, तो ये वन बटा टू से ये वन बटा टू कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा थ्री के पावर वन बराबर थ्री। इसी तरह से हम लोग और जितना भी बड़ी 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 संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये तो वर्गमूल हुआ, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अंडर रूट फोर था, अंडर रूट फोर था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू टू, और हम क्या बोले दो मतलब पेयर में एक निकलता है, दो में एक निकलेगा। तो ये देखिए दो है तो इतना बराबर क्या लिखेंगे एक, मतलब दो दो है तो इतना बराबर एक। इसी तरह का नाइन है, नाइन का अंडर रूट करते हैं तो इसको नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो दो को पर एक संख्या निकलता है, तो दो यहाँ तीन है तो इसके बराबर क्या होगा एक। ये हो गया हम लोग को वर्गमूल। इसी तरह घनमूल होता है, इसी तरह क्या होता है घनमूल, घनमूल में तीन संख्या पे एक संख्या निकलता है। जैसे देखिए दो के पावर तीन बराबर दो को पावर तीन, मतलब दो के अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो क्या, सॉरी दो को घन निकालेंगे मतलब दो को क्यूब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आठ, और आठ को अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, और देखिए क्यूब रूट का साइन क्या होता है यहाँ होता है तीन, तीन
या वर्गमूल में हम लोग यहाँ दो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और इसमें क्या करना है, तीन पर एक संख्या निकालना है। तो अगर आठ को देखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, दो दुनी चार दुनी आठ, यहाँ तीन रहेगा। और तीन संख्या पे क्या निकलता है, एक, मतलब तीन को दो दो है तो इतना बराबर क्या, एक दो होगा। ये हुआ हम लोग को घनमूल। तो आई होप वर्गमूल, वर्ग घन, वर्गमूल और घनमूल ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा, बहुत बड़ी बड़ी संख्या का घनमूल निकालने के लिए बोलेगा। तो थोड़ा सा देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो देखिए। जैसे देखिए कोई भी बहुत बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोला तो कैसे कैसे कीजिएगा, तो ध्यान में रखिए एक बार। ये तो छोटी छोटी संख्या तक है, मान लीजिए 20 या 400, अगर ये तो वर्ग निकालना। और हम तो बोलते हैं कि जो भी वर्ग है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, वो 20 तक आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। उसमें ट्रिक लगाने से उतना कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम लोग आते हैं एक, अब स्क्वायर रूट कैसे निकलता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं पहले चार अंक की संख्या को स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखते हैं, 2704। क्योंकि देखिए तीन अंक की संख्या तक तो आप लोग याद कर ही सकते हैं, तीन अंक की संख्या तक याद करके वहां से तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन चार अंक के बाद आते हैं, जैसे देखिए 2704। और इसके पहले ये मतलब निकालने से पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर देखिए एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वन मिलेगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, चार मिलेगा। तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, इसको लिखते हैं इसके बाद। चार का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 16। पांच का स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, 25। छः का स्क्वायर करेंगे तो 36। सात का स्क्वायर करेंगे तो 49। आठ का स्क्वायर करेंगे तो 64। नौ का स्क्वायर करेंगे तो 81। इसमें आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है, देखिए लास्ट वाला अंक देखिए, एक का जब हम लोग स्क्वायर किए तो क्या मिला, यूनिट संख्या वन मिला। दो को स्क्वायर किए तो क्या यूनिट संख्या मिला, चार। तीन को किए तो नौ, चार को किए तो यूनिट देखिए छ। इसके बाद क्या मिला, पांच को किए तो पांच, छ को किए तो छ, सात को किए तो सात, आठ को किए तो चार, नौ को किए तो एक। ये यूनिट संख्या पे ध्यान देना, एक एक, यानी एक और नौ, एक और नौ का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, किसका किसका, एक और नौ का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट संख्या कितना मिलेगा, वन। इस पे गौर करना है, क्योंकि देखिए एक का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर किए तो यूनिट संख्या क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। और क्या देखना है, दो के स्क्वायर और आठ के स्क्वायर, दो के स्क्वायर और आठ के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट संख्या कितना मिलेगा, चार मिलेगा। इसको भी लिखते हैं, दो का स्क्वायर और अगर आठ का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट संख्या हम लोग को कितना मिलेगा, चार मिलेगा। इसको भी एक चीज याद रखिएगा। और अगर तीन का स्क्वायर और सात का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो यूनिट संख्या क्या मिलेगा, नौ मिलेगा। और कुछ, छ, एक बचा छ। और छ अगर चार का स्क्वायर और छ का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, चार के स्क्वायर करेंगे और छ के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट संख्या हम लोगों की क्या मिलेगा, छ। और पांच का स्क्वायर करेंगे तो एक यूनिट संख्या मिलेगा, पांच। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए नौ और एक दस, हमेशा दस की दोनों को जोड़िएगा संख्या तो हमेशा दस आना चाहिए। आठ और दो दस, सात और तीन दस, छ और चार दस। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक और नौ ये दोनों, अगर कभी कभी पूछे ना कि कौन सी दो ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट वन बचे, तो अगर एक एक याद है और दूसरा संख्या याद ही नहीं है तो क्या करना है, दस में से एक डायरेक्ट घटा के बता देना है कि दूसरा संख्या क्या है, नौ। मतलब एक और नौ का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यूनिट उसका क्या बचेगा, वन। वैसे ही अगर कोई बचेगा कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट अंक कितना, यूनिट अंक मान लीजिए चार बचेगा तो उसका कौन कौन संख्या का स्क्वायर करेंगे तो दो, और दूसरा क्या होगा, आठ, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दस। यहां से एक चीज याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक। और देखिए यहां अब इसमें आते हैं, ये संख्या हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, 2704। हम क्या बताएं, वर्गमूल में हमेशा दो के दो पे पेयर रखना है, तो ई दोनों को पेयर में एक बार लाइए। लास्ट संख्या हम लोग को क्या है, लास्ट संख्या है 04। तो देखिए लास्ट संख्या यानी यूनिट संख्या कितना है, चार है, तो इस चार पे हम लोग को ध्यान देना। चार
कौन कौन संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को चार मिलेगा। तो देखिए, दो या और आठ को जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लास्ट में चार मिलेगा। तो इसको लिखते हैं पहले, या तो लास्ट संख्या में दो आ सकता है या लास्ट संख्या में क्या आ सकता है, आठ आ सकता है। ठीक, अब देखिए ये दो को हटा दीजिए, जीरो चार को हटा दीजिए, अब बचा क्या, सत्ताईस बचा। अब सत्ताईस को देखना, तो देखिए सत्ताईस कौन कौन संख्या के बीच में आता है, कौन कौन संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में सत्ताईस आता है। तो एक अगर पांच के स्क्वायर करेंगे तो पच पचे पच्चीस, और एक छ के स्क्वायर करेंगे तो छ छक छत्तीस, यानी पांच और छ यानी इसी के बीच में आता है सत्ताईस। जब इसी के बीच में आता है सत्ताईस तो क्या करना है कि इसमें जो मिनिमम संख्या छोटी संख्या है, छोटी संख्या उसको उठा लीजिए। छोटी संख्या क्या था, पांच। पांच को हमको क्या करना है, यहां से उठा लिए पांच। इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं, एक में नहीं समझ में आएगा तो और बताएंगे। छोटी संख्या था पांच, इसको हम लोग उठा लिए। अब क्या बचा, पांच का जस्ट आगे वाला संख्या क्या है, छ। पांच के जस्ट आगे वाला संख्या क्या है, छ। पांच के जस्ट आगे वाला संख्या क्या है, छ। तो इसको गुना करते हैं, छ पचे क्या हुआ, तीस। छ पचे तीस हुआ। अब देखिए ये तीस से ये सत्ताईस क्या है, तीस से ये सत्ताईस कम है, यानी तीस से ये सत्ताईस छोटी संख्या है। तो तीस से ये सत्ताईस छोटी संख्या, इसका मतलब कौन सी संख्या लेना है, ये दो लेना है। और अगर तीस से ये बड़ी संख्या रहता तो क्या लेते हम लोग, बड़ी संख्या। यानी इसका डायरेक्ट अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बावन इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से आई होप इसको नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार हम फिर से बताते हैं इसको रिपीट करके। देखिए देखिए यहां से एक चीज और, एक चीज और क्वेश्चन बताते हैं। फाइव फाइव नाइन टू नाइन क्या है, फाइव नाइन टू नाइन, इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, सबसे लास्ट वाला संख्या देखिए, सबसे लास्ट वाला संख्या क्या है, नाइन है। यूनिट संख्या क्या है, नाइन है। तो हम लोग देखते हैं नाइन कौन सा संख्या को स्क्वायर करते हैं, तो यूनिट नाइन आता है। तो सबसे पहला बात कौन सा, तीन को जब स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, और सात को स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा। तो मतलब नाइन आने के लिए कौन कौन सी संख्या को हमको स्क्वायर करना होगा, तीन और सात। यहां तक हो गया। तो नाइन को तोड़ेंगे तो अगर मतलब कौन सा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट नाइन आएगा। तो तीन को स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, और सात का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा। तो तीन और सात में से कोई संख्या होगा। इसके बाद ये दो अंक को हटा देते हैं क्योंकि स्क्वायर है दो। इसके बाद क्या बचा, फिफ्टी नाइन बचा। अब देखते हैं फिफ्टी नाइन कौन सा दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले पांच छ सात, सत सते उनचास, यानी सात सते उनचास और अठी अठी चौसठ, इस दोनों के बीच में आ रहा है। उनचास और चौसठ के बीच में आ रहा है, फिफ्टी नाइन आ रहा है। तो उनचास और चौसठ के बीच में फिफ्टी नाइन आ रहा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे छोटी संख्या लेना है। तो हमेशा छोटी संख्या लीजिएगा, तो हमेशा छोटी संख्या कौन है, सात है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ सात लिख दिए। अब देखिए सात से आगे वाला संख्या ले लेते हैं, सात से आगे वाला संख्या क्या है, आठ, और दोनों को गुना करते हैं तो आठ सते छप्पन। अब देखिए छप्पन से ये जो फिफ्टी नाइन है वो बड़ा है कि ये छोटा है। अगर छप्पन से ये संख्या बड़ी है तो इसमें से हम लोग तीन और सात में से कौन सी संख्या चूज करेंगे, बड़ी संख्या चूज करेंगे। और अगर छप्पन से ये वाला संख्या छोटी रहेगी तो हम लोग छोटी संख्या चूज करेंगे। तो छप्पन से फिफ्टी नाइन क्या है, बड़ा है, तो हम लोग बड़ा संख्या यूज करेंगे, मतलब सात, सतहत्तर। यानी ये सतहत्तर का स्क्वायर है कितना, फिफ्टी नाइन ट्वेंटी वन, तो इसका क्या हो जाएगा, सतहत्तर। या नहीं तो क्या करना है, यहां से तो हम लोग चूज कर लिए कि हाँ ये फर्स्ट, पहली बात कि ये कितना आएगा, सात आएगा, यहां से तो छोटी संख्या लेना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला क्या है ना कि इसी में से देखिए कि सतहत्तर उनचास और अठी अठी चौसठ कौन सी संख्या के नजदीक है, ये यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं कौन सी संख्या के नजदीक है, जिसके नजदीक रहेगा वो यहां पे पुट कर दीजिए, तो वहां से भी वो भी निकल जाएगा। वैसे भी एक संख्या और बताते हैं, एक संख्या हमने एक, उसको आप लोग बनाइएगा जो हम क्वेश्चन दे रहा हूं, जो ट्रिक बताएं ये ट्रिक पे सॉल्यूशन करके देखिएगा कि अगर होता है या नहीं होता है। और देखिए, और अगर ये आप लोग को हार्ड लगता है तो क्या करना होगा, बस वही मेथड जो पहले आप लोग पढ़े होंगे कि फिफ्टी नाइन ट्वेंटी नाइन ये जो भी है उसको क्या करना है, गुणनखंड करके फिर फैक्टराइज कीजिए, उसके बाद निकाल के देखिए, दो पर एक निकाल के देखिए, फिर वहां से भी निकाल सकते हैं आप लोग स्क्वायर रूट। और फिर जो घनमूल होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, घनमूल में भी बस सेम तरीका है। तो एक आप लोग निकाल के दिखाएगा, सैतालीस इकसठ, सैतालीस इकसठ इसका कितना वर्गमूल आता है।
ये तो हो गया वर्गमूल, और घनमूल में बस तीन पे एक निकाल देगा, वहां हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। और ये कभी कभी ध्यान में रखिएगा, पॉइंट में भी पूछेगा, जैसे कभी कभी पूछ देगा 0.01, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो इसका क्या होगा 0.1, 0.1 इंटू 0.1 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1, और एक और एक दो अंक के संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 0.0। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, और क्वेश्चन हम इस टाइप का करवाएंगे, अभी जैसे वीडियो खत्म होगा उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करवा देंगे। और देखिए, आप लोगों को और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं यहाँ एक्स दे दिया, फिर एक्स दे दिया इस टाइप का, कभी फिर यहाँ एक्स दे दिया, फिर यहाँ कभी एक्स दे दिया, और बोलेगा ना कि इसका सॉल्यूशन करके बताए, मतलब इसका मतलब क्या कि यहाँ दे देगा एक्स के जगह क्या दे देगा, मान लेते हैं 6 दे देगा, कर बोलेगा अंडर रूट 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे करके सॉल्यूशन करने के दिल देगा, बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन करके बताए। तो इसका सॉल्यूशन करने का एक फॉर्मूला है, मस्त फॉर्मूला है, क्या है कि एक्स के पावर एक्स एक्स के पावर क्या होना चाहिए, 2 के पावर n-1 बटा नीचे क्या होगा 2 के पावर n। यहाँ ध्यान रखना है, x बराबर जो भी, मान लीजिए x बराबर 5 दिया है या x बराबर 6 दिया है, वो यहाँ लिखना है 2 के पावर n। n मतलब कि कितना बार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो 2 के पावर क्या लिखना है 4-1 बटा नीचे क्या रखना है 2 के पावर 4। तो यहां से आप लोग 7 को निकाल के दिखाइएगा, मतलब क्या इसको निकाल के बताइएगा, 7 अंडर रूट 7 कितना है 1, 2, 3, 4, मतलब n बराबर क्या है 4 है। तो यहां से आप लोग सोल्यूशन करके बताइएगा, n बराबर 4 है और x बराबर क्या है 7 है, तो इसके बाद तो सोल्यूशन कर ही सकते हैं यहां से। और ये पावर में है, ये पूरा ये पावर में है, यहाँ x का पावर में, नीचे लिख देते हैं x का, ये पावर में है, x टाइप का ई रहेगा। और कभी कभी आप लोग से ये पूछता है, बोलेगा ना कि x प्लस, फिर दे देगा x प्लस, फिर दे देगा x प्लस, ऐसे ऐसे दे देगा, फिर दे देगा x, और ये ऐसे ऐसे से कहां तक जाएगा, ये दे देगा इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आप लोग से पूछता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ऐसा कंडीशन रहता है ना कि जो भी x बराबर जो भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं एक x बराबर दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो ये जो 56 है इसको क्या सबसे शुरू करना है कि फैक्टोराइज कर दीजिए, दो संख्या में इसको क्या कर दीजिए फैक्टोराइज कर दीजिए, और ऐसा फैक्टोराइज कीजिए कि उस दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, यानी 56 को फैक्टोराइज करेंगे तो 7, 8, 56, यानी 8 और 7 के बीच में इसको फैक्टोराइज कर सकते हैं, और इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है देखिए 1। इसी तरह से ये पूछेगा, हमेशा डिफरेंस रखेगा 1 का, किसी भी कहीं से भी कुछ भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, हमेशा रखेगा डिफरेंस 1, यानी उसको डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस को देख लेना है कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं 1, और उसको फैक्टोराइज कर देना है। और इसके बाद इसमें अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेगा कि बड़ी संख्या उसका आंसर होगा, यानी 8 और 7, इसमें से कौन सी संख्या आंसर होगा 56 के लिए 8 आंसर होगा। और अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा, प्लस की जगह माइनस होगा, तो सभी जगह माइनस होगा, तो क्या होगा छोटी संख्या होगा। एक चीज यहां से ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या लेना, माइनस रहेगा छोटी संख्या लेना। और एक ये ट्रिक भी ध्यान रखना है ये, और जैसे जैसे फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जैसा होगा वैसा फिर आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जस्ट बाद आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन करने से आइडिया मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू।